मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र राशि चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यह जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि यदि आप घर में प्रतिदिन कपूर जलाते हैं तो क्या होता है, कपूर जलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस प्रकार से कपूर को घर में जलाना चाहिए और कपूर यदि आप रोज़ जलाते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप जान लीजिए, जिस घर में भी प्रतिदिन कपूर जलता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा गलती से भी वास नहीं करती है, कोसों दूर रहती है नकारात्मक ऊर्जा उस घर से। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि प्रतिदिन यदि घर में लोबान जलाएं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो उस पर एक दो कमेंट ऐसे आए जिसमें लिखा था कि लोबान मजार पर जलाया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि लोबान हो, कपूर हो, धूप बत्ती हो, ये सब कुछ मजार पे जलाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक हिंदुओं का प्रोडक्ट हो गया या मुसलमानों का प्रोडक्ट हो गया, खैर वो अलग बात है। आइए जानते हैं अगला बेनिफिट। तो जिस घर में भी कपूर प्रतिदिन जलाया जाता है, कपूर का धुआं होता है, उस घर को कभी भी किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं लगती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कपूर जब भी आप जलाएं, कपूर जलाने के बाद जो कपूर का धुआं होता है वह हर कमरे में आप दिखाएं, एक बार खाली टॉयलेट बाथरूम छोड़ दीजिए, सभी कमरों में आप दिखाएं। इससे जो है पॉजिटिविटी सकारात्मक ऊर्जा घर में बहुत ज़्यादा प्रवाह करने लगती है और व्यक्ति के सभी काम बनने लगते हैं। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, आप परेशान हैं, हर काम में बाधा आ रही है, तो आपको चाहिए कि कपूर प्रतिदिन आप जलाएं ताकि वास्तु दोष कैसा भी आपके घर में हो जड़ से समाप्त कर देगा यह कपूर। इसके अलावा कपूर जलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ईश्वरीय शक्ति जो है आप पर मेहरबान हो जाती है, भगवान की कृपा आप पर होने लगती है। यदि प्रतिदिन सुबह शाम आप कपूर जलाते हो तो कुंडली में कैसी भी महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, आप शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, उसमें भी गजब का यह फायदा करता है कपूर। इसके अलावा एक मैं आपको गजब का उपाय बताता हूँ, यदि आपके घर में आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती है, पैसा ना आता है और ना रुकता है, तो ऐसे में जहाँ पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, यह उपाय मैं भी करता हूँ, और बैंक के कागज़ रखते हैं या रुपया पैसा रखते हैं, चाहे वह अलमारी हो या बक्सा हो, उसमें आप एक काम किया करिए, कपूर की दो टिक्की हर बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आप रख दिया करिए। वो टिक्की तीन चार दिन में गल जाएंगी, कपूर की महक उस बक्से में या उस गल्ले में भर जाएगी। अगला जब बृहस्पतिवार या शुक्रवार पड़े तो फिर दो टिक्की रख दीजिए। यह उपाय आप करिए, कुछ ही दिनों में आपको चमत्कार दिखने लगेगा, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे आपकी अच्छी होने लगेगी, पैसा आपके पास आने भी लगेगा, और दूसरी चीज़ अगर आ रहा है पैसा, रुक नहीं रहा है तो रुकने लगेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का यह बड़ा अच्छा उपाय है। कपूर सुबह शाम जलाते हो तो कभी भी घर में बीमारियाँ नहीं आती हैं। अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, डॉक्टर को आप दिखा दिखा के थक गए हैं, दिन भर व्यक्ति अच्छा रहता है, शाम होते ही बीमार हो जाता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि सुबह शाम प्रतिदिन आप कपूर जलाइए, बीमारी उस घर से कोसों दूर रहेगी। अब कपूर जलाना कितने समय चाहिए, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, कपूर आप यदि जलाना चाहते हैं तो आप सूर्यास्त जब होता है उसके एक घंटे के अंदर अंदर जलाइए, और प्रातःकाल जब भी आप पूजा करते हैं 12 बजे के पहले पहले आप जो है अपनी पूजा समाप्त कर लीजिए, तब आप कपूर जलाइए। बस सावधानी इतनी ही रखनी है, जिस टाइम पे भी आप कपूर जलाते हैं रेगुलरिटी से उसी टाइम पे जलाइए, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये मत करिएगा कि आज आपने 4 बजे जला दिया तो कल आप 8 बजे जला रहे हैं, परसों 12 बजे जला रहे हैं। इसके अलावा एक उपाय आप और भी कर सकते हो, यदि पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है तो आप सूर्यास्त के समय कपूर लीजिए, अगर और उसमें दो लौंग
साथ में रख के जलाइए। प्रतिदिन यह उपाय करना शुरू करिए, आपको चमत्कार कुछ ही दिनों में दिख जाएगा। जिस घर में भी कपूर जलना शुरू हो जाता है, सुबह शाम व्यक्ति जलाता है, तो मान करके चलिए उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता नहीं रहती। अब बात करते हैं कपूर के नुकसान क्या हैं। तो कपूर का नुकसान मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़ायदे ही फ़ायदे मैंने सुना है और मैंने जो प्रयोग किया है उसका हमें फ़ायदा ही मिला है। तो इससे आप निश्चिंत रहिए कि कपूर जलाने से कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर राशिफल वगैरह की वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो मेरा एक चैनल है नव ज्ञान ज्योतिष, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर आपको मंथली ईयरली राशिफल और ग्रहों का गोचर, इन सब विषयों की जानकारी मैं समय समय पर देता रहता हूँ। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।